जब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने वापस आकर हजरत सैयदना उमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारे हालात बताए और रूमी फौजी कैदियों को उनके सामने पेश किया तो आप बहुत खुश हुए, खुदा का शुक्र अदा किया और उसके बाद कहा कि मालूम किया जाए कि इन रूमी कैदियों में कोई ऐसा शख्स भी है जो अरबी जबान जानता है, ताकि उससे रूमियों के हालात मालूम किए जाएँ। तलाश करने पर उन 600 रूमी कैदियों में 3 ऐसे रूमी मिले जो अरबी जबान से अच्छी तरह आशना थे। उन तीनों रूमियों को हजरत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया गया। आपने उनसे रूमी लश्कर के हालात पूछे तो उन्होंने बताया कि हरकिल बादशाह रूम ने अपने लश्कर के बहुत बहादुर और ताकतवर सरदार को, जिसका नाम रूबी, से 1,00,000 का लश्कर देकर रवाना किया है और उसको ताकीद की है कि मुसलमानों को इलिया की सरजमीन तक किसी कीमत पर आने ना दिया जाए। और उसी रूबी सरदार ने उस सरदार को जो इस जंग में मारा गया 10,000 का लश्कर देकर बतौर तलिया के आगे रवाना किया था। और ए मुसलमानों के सरदार, मेरा गुमान है कि हरकिल बादशाह रोम का 1,00,000 का भेजा हुआ लश्कर किसी वक्त भी आपके करीब पहुंच सकता है और हरकिल बादशाह के फौजी सरदारों में रूबी अरबों के साथ जंग करने में बहुत तजुर्बेकार है। हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला ने ये बातें सुनकर फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह रूबीज़ का भेजा हुआ सरदार मारा गया और उसके साथ तलियाई लश्कर को भी शिकस्त हुई, इसी तरह रूबीज़ भी मारा जाएगा और उसके 1,00,000 के लश्कर को भी शिकस्त का मुँह देखना पड़ेगा। उसके बाद हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला दूसरे ज़रूरी कामों से फारिग होकर मुसलमानों से फरमाया, ए मुसलमानों, तैयार हो जाओ। इन रूमियों की इतला के मुताबिक मेरा गुमान है कि रूमी लश्कर बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। अगर वो हमारे सामने आता है तो इंशाअल्लाह ताला हम उसे ज़रूर जेर कर देंगे, और अगर वो हमारे सामने नहीं आता तो उनकी ताकत घटेगी, हम उन्हें किसी तैयारी का मौका ना देते हुए खुद उन पर हमला कर देंगे और उन्हें संभलने का मौका भी ना देंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फतेहिया फरमाएगा। उस रोज तो इस्लामी लश्कर ने उसी मकाम पर रात गुजारी। दूसरे दिन जब कोच किया तो अभी थोड़ा ही रास्ता तय किया था कि रूमी लश्कर सामने आ गया। रूमी स्लीप उठाए हुए थे और हर स्लीप के नीचे 10,000 रूमी थे। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब रूमी लश्कर हमसे करीब हुआ तो हमने देखा कि रूमियों का सरदार एक मस्त हाथी की तरह लश्कर में घूम रहा है और अपने लश्कर को लड़ाई के लिए तरतीब दे रहा है। इधर हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला ने भी इस्लामी लश्कर को लड़ाई के लिए तरतीब देना शुरू किया। लश्कर के दाएं बाजू पर हज़रत ज़हाक बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और लश्कर के बाएं बाजू पर हज़रत सईद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और लश्कर के पिछले हिस्से में हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर किया और बीच में खुद हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़याम किया और उन्हीं के पास अहले मक्का और अहले अंसार और मुहाजरीन सहाबा ने अपनी सफ़े दुरुस्त कर ली। उसके बाद हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए कहा। कुरान मजीद की तिलावत के बाद आपने मुसलमानों के सामने पुरजोश तकरीर फरमाई, ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम्हारे लिए इम्तिहान की सख्त घड़ी है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम पूरी तरह सब्र से काम लेना और अल्लाह तबारक व तआला से मदद के तलबगार रहना। फिर दोबारा हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला ने अपने लश्कर की सब बंदी और दूसरी चीज़ों का जायजा लिया। इधर रूमी सरदार रूबीस ने देखा कि इस्लामी लश्कर जंग करने के लिए इस तरह सब बंदी किए खड़ा है कि बाग से बाग और रिकाब से रिकाब मिला रखी है, और ऐसा मालूम होता है कि इंसानों की सफ़े नहीं है बल्कि सीता पिघलाई हुई दीवारें हैं, जिससे टकराना अपने आप को हलाकत में डालना है। रूबीस जो पहले हमला करने की सोच रहा था, ये कैफियत देखकर उसका हौसला पस्त हो गया। अब वो इंतज़ार करने लगा कि देखे मुसलमान
जंग का कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। इधर जब मुसलमानों ने देखा कि रूमी लश्कर खामोश खड़ा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो मुसलमानों की जानिब से सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भतीजे हज़रत सईद बिन खालिद मैदान में निकले और रूमियों को ललकारा कि हमारे मुकाबले के लिए किसी को भेजो। लेकिन जब कोई रूमी मुकाबले पर न आया तो आपने रूमी लश्कर के दाएँ और बाएँ दोनों तरफ हमला कर दिया और कितने ही रोमियों को आपने मार डाला। उसके बाद फिर आपने दूसरा हमला किया और उनकी सफ़ों को मुंतशिर कर दिया। रोमियों ने यह कैफियत देखी तो एक भारी लश्कर के साथ हज़रत सईद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला कर दिया। आपने उन रोमियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहादत का जाम नोश फरमाया। आपकी शहादत की खबर से मुसलमानों में एक जोश पैदा हो गया। सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला ने बड़े सब्र और इस्तक़लाल से फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भतीजे सईद बिन खालिद ने अपनी जान को अल्लाह की राह में बेच दिया और शहादत का आला मकाम हासिल कर लिया। और ये मुसलमानों, अब मैं इन खुदा और रसूल के दुश्मनों पर मैं खुद हमला करना चाहता हूँ ताकि इनके बुरे इरादों को फना कर दूँ और जाकर देखूँ कि मेरे भतीजे सईद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या हाल है और उन्होंने कहाँ शहादत पाई है। इस सिलसिले में कौन नौजवान मर्द है जो मेरा साथ दे। हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुफ्तगू सुनकर हज़रत ज़हाक बिन सुफियान, हज़रत ज़ुल्किरा हमीरी, हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, हज़रत हर्ष बिन हश्शाम, हज़रत माज़ बिन जबल, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत वासिद बिन दाम, हज़रत नौफल, हज़रत वसी बिन इबाद अल हज़रमी, हज़रत सालिम बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने महाजरीन अहले बद्र और दूसरे अकाबिर सहाबा बयक आवाज़ हज़रत सैयदना उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऐलान पर लब्बैक कहा और आपका साथ देने के लिए तैयार हो गए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग ऊँटों पर सवार होकर दुश्मनों के लश्कर के करीब पहुँचे और उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो हमारे हमले से ऐसे बेफिक्र थे कि हमारे हमले का उन्हें कोई एहसास ही नहीं था। रूमी ज़रा पहने हुए सर से पेड़ तक लोहे में गर्ग लोहे के पहाड़ मालूम होते थे। जब हम लोगों ने उनकी इस बेफिक्री को देखा तो मशवरा किया कि इन रूमियों पर हमला करने की बजाय इनकी सवारी के जानवरों को छेड़ा जाए। इस तदबीर के अलावा कोई दूसरी तदबीर इनको मुंतशिर करने की नज़र नहीं आई, लिहाजा हम लोगों ने आगे बढ़कर नेज़ों की नोकें इनके सवारी के जानवरों के पेट में चुभोई। तब रूमियों ने जुम्बिश की और हम पर हमला किया और हमने इन पर हमला कर दिया और हम लोगों के हमले के साथ पूरे इस्लामी लश्कर ने हमला कर दिया और हमारा इस्लामी लश्कर रूमियों के इस 1,00,000 के लश्कर के बीच में ऐसा मालूम होता था जैसा सिया ऊँट के बदन पर सफेद तिल, और इस जंग के दौरान हमारी जबानों पर यह कलमा जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा नसुर उम्मता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मय्यतखिज शरीकम मिनका। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मदद कर उम्मत मुहम्मदी की इन लोगों पर जो तेरे साथ दूसरे को शरीक करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सुबह से दोपहर तक शिद्दत की जंग होती रही और इसी वक्त एक तेज़ हवा चली, मगर लोग लड़ाई में बेहद मसरूफ रहे। जंग की शिद्दत को महसूस करते हुए मैंने एक दुआ पढ़ी जो ऐसे वक्त के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम फरमाई थी। उस दुआ का पढ़ना था कि मैंने देखा कि आसमानों में एक सुराख हो गया है और उस सुराख से सब्ज घोड़े निकल रहे हैं और उस सब्ज घोड़ों पर जो लोग सवार हैं उनके हाथों में सब्ज निशान हैं और उनके निशानों की नोकें चमक रही हैं और कोई पुकारने वाला पुकार कर फतेह की बशारत दे रहा है। अब शुरु या उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अतीकुम नसरु मिन इंदिल्लाह, ए उम्मत मुहम्मदी के लोगों, तुमको बशारत हो कि तुम्हारे रब की तरफ से मदद आ गई।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور 100,000 کا روبی لشکر پیٹ پھیک کر بھاگ رہا تھا اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے اور منادی غیب سے برابر فتح کی ندا دے رہا تھا۔ مسلمانوں نے دوپہر سے رات کے اندھیرے تک رومیوں کا پیچھا کیا۔ مسلمانوں کے گھوڑے رومیوں کے گھوڑوں سے کئی تیز دوڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 10,000 رومی مارے گئے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کا پیچھا کرنے والے مسلمانوں کے لیے بے چین ہو گئے۔ ان کی عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتے رہتے اور بار بار کہتے کہ کون ہے جو ان مسلمانوں کی خبر لا کر مجھے دے جو مسلمان رومیوں کے تعاقب میں چلے گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ نے دیکھا کہ رومیوں کا پیچھا کرنے والے مسلمان واپس آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر ان مسلمانوں کا استقبال کیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا، تم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تم سے راضی ہو اور تمہیں راضی کرے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر میرا ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملک شام اور دیگر اسلامی فتوحات کو تفصیل سے جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔